नौगावा सादात थाना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश, 20,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार। जनपद अमरोहा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा हुई प्रेस वार्ता में थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 20,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जनपद अमरोहा में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा ग्राम बीलना से नहर किनारे ग्राम सिकरिया को जाने वाले कच्चे रास्ते पर बने मकान में अवैध असले का निर्माण करने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। ये नौगावा सादात थाना क्षेत्र में बीलना पुल के पास एक अपराधी पकड़ा गया है, जिसके पास से करीब 14 तमंचे, 6 अधवने तमंचे, एक राइफल तथा शस्त्र बनाने की उपकरण मिले हैं। इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति डकैती में भी वांछित था, बाद में इसके ऊपर गैंगस्टर हुआ था और इसके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम भी था। इस तरह से यह पुलिस की बड़ी सफलता है। किस तरह पुलिस ने कहां गिरफ्तार किया गया था और कहां पर फैक्ट्री चलाई जा रही थी? ये बीलना पुल के पास जंगल में एक जगह पर फैक्ट्री चलाई जा रही थी, सुनसान जगह पर। पुलिस ने वहां पर मुखबिरी के द्वारा पहुंचकर ये बरामद किया। तो सर इसमें संलिप्त एक ही था ये या कोई और भी? एक अभियुक्त और था जो फरार हो गया है, इसकी तलाश की जा रही है, ये गिरफ्तार हुआ है। कहाँ का सप्लाई करते हैं? इस आदमी का करीब 16 अपराधी के इतिहास है और काफ़ी अच्छा अपराधी है। कहाँ कहाँ सप्लाई किया करते थे इन तमंचों? कितने रुपए में बेचा करते थे? ये मुरादाबाद, अमरोहा तथा आसपास के जनपदों में तमंचों की सप्लाई करता था। तमंचों कोई रेट नहीं है, जितने बिक जाए, 5,000 से लेकर 10,000, 15,000, 20,000, जो भी पैसा मिल जाए। तो सर क्या टीम को कितना रुपये का इनाम? टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है,